गाइस गुड मॉर्निंग, आई एम इंडियन यूट्यूबर ज्योत्सना जायसवाल और ये है डॉक्टर गर्ल। मैं शॉर्ट क्यों दिख रही हूँ? इसलिए तो हम लोग निकल रहे हैं अभी गणपति मंदिर, तो आपको भी साथ में लेके चलते हैं। और आपको एक बात बता दूं, मेरा चैनल तो आप लोग सब्सक्राइब कर ही रहे हो, पर डॉक्टर गर्ल का चैनल भी आप लोग सब्सक्राइब करो जल्दी जल्दी और कमेंट्स करो, आपको बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। तो लेट्स गो, चलते हैं गणपति मंदिर। यहाँ का गणपति मंदिर बहुत अच्छा है और पहला गणपति मंदिर देखने जा रहे हैं। ये अष्ट विनायक में का पहला गणपति मंदिर है, तो आपको लेके चलती हूँ। ओके, तो अतिथि ने मुझे ब्लू कलर का आईलाइनर लगा के दे दिया है, अच्छा लग रहा है ना? मस्त दिख रहा है। अच्छा लग रहा है। और मैंने लगाया कौन सा है, ये वाला पता नहीं कौन सा है, ये मुझे भी नहीं पता। पर बहुत अच्छे से लगाए, देखिए मस्त से लगाए, और ऐसा ही कलर मुझे चाहिए था। चलो चलते हैं, भागते हैं जल्दी से। तो यहाँ कितना अच्छा क्रिसमस का डेकोरेशन किया है, ये छोटे बच्चों की प्ले स्कूल है और उन्होंने पूरा क्रिसमस का डेकोरेट कर दिया है। हम चले जा रहे हैं रास्ते में। अच्छा, हाँ वही वही, पर ठंडी है यहाँ पे, अभी दोपहर के 12:30 बजे हैं। तो देखिए वो दूर मंदिर दिख रहा है, पता नहीं वो कौन सा मंदिर है, पर ये सुंदर सी नदी है और पुराना सा ब्रिज है, अच्छा लग रहा है। इसके ऊपर चलने को बहुत मस्त लगेगा, पर डर भी लगता है। तो यहाँ हम लोग आ गए हैं मंदिर के पास, और ये गिर गाय का ताज़ा दूध यहाँ पे मिलेगा। ऐसा कितने का है? ये कितने का है? तो यहाँ पे ना हार और वो सब कितना मस्त मस्त है कि पूछो नहीं। अभी आपको दिखाया माता जी का, वो भी बहुत मस्त है, अच्छा लग रहा है। मुझे से लग रहा है हार ले लूं। तो ये है मंदिर का पूरा परिसर, और लिया? तो कौन सा ले रही है, जासवंती वाला कि गुलाब वाला? ओके ठीक है। हम लोग ना अच्छे से आ गए, अभी मंदिर बंद होने वाला है। अच्छा हमको दर्शन मिल गए। ने दर्शन कर लिए और देखिए मंदिर बंद हो गया। यहाँ से ये लिया है हल्दी कुंकू का, और कुमकुम लिया, और दिया बत्ती लिया है। तो मंदिर में दर्शन करने के बाद हमने ली है पाव भाजी, कुछ चिल्लू को पाव भाजी खानी थी। तो मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए हैं कुछ खाने पीने, तो यहाँ पे ढाबे ली पाव भाजी और पराठा वगैरह मस्त मस्त मिल रहा है। टेस्ट करके बताओ कैसा है।
मुझे तो ऐसे लग रहा है कि हम लोग तो फूड ब्लॉगर हो गए हैं। फूड ही फूड दिखाते रहते हैं ऑलवेज आपको।